तो सर का ये कहना है कि मैनुअल डिस्काउंट अगर हम लगा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एट द रेट 5%, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सर कि एट द रेट 5% आपने लिख दिया, तो एट द रेट 5% लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि 5% का ही डिस्काउंट लगाना है। तो अगर 5% का नहीं लगाना हो, हम अपने आप अपने हिसाब से डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं, तो आज इसी की बात करने वाले हैं टैली प्राइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से देख सकते हैं वही कंपनी है और यहां पर वाउचर में चलते हैं और यहां से आ जाते हैं परचेस वाउचर में, तो F9 प्रेस कर सकते हैं या क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आ गए यहां पर, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए यहां पर जो है क्रेडिटर पार्टी का भी लेजर है और यहां पर डेटर पार्टी का भी लेजर बना हुआ है, तो हम अभी क्रेडिटर पार्टी का लेजर ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, एंटर प्रेस करते हैं, क्योंकि हम परचेस वाउचर में है दैट्स व्हाई क्रेडिटर पार्टी का लेजर ले रहा हूं और यहां पर परचेस अकाउंट कर दिया हमने, ठीक है। परचेस अकाउंट को करने के बाद यहां पर एक स्टॉक आइटम हमने बना रखा है पैरासिटामोल, ठीक है। तो अभी इसमें दो चीज अप्लाई करेंगे, एक तो हम इसमें एक्सपायरी डेट भी अप्लाई करेंगे, एक्सपायरी डेट कैसे लगाएंगे इसमें, ठीक है, और दूसरी चीज ये कि हम इसमें किस तरह से मैनुअल डिस्काउंट, यानी कि हम केवल ऐसा डिस्काउंट लगाना चाहते हैं कि हम जितना डिस्काउंट दे दें उतना आ जाए उसमें, ठीक है। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में लिख दिया था एट द रेट 5%, तो आप केवल उसी को हटा दीजिए तो वो जो है हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। अभी मैं क्या करता हूं, यहां से बाहर आ जाता हूं, वो पहले एडिट कर लेता हूं उन चीजों को, ठीक है। इसमें हम बैचेस की भी डिटेल की बात करेंगे, तो यहां पर आकर के, और ये देखिए यहां पर आते हैं स्टॉक आइटम में, और स्टॉक आइटम में आकर के अब हमें कौन सा स्टॉक आइटम चाहिए, लाइक क्रोसिन चाहिए मान लीजिए, तो ये क्रोसिन है, ठीक है, तो क्रोसिन को एडिट किया है मैंने, ये देख लीजिए। यहां पे मेंटेन इन बैचेस, इसको मैंने नो रखा है, इसको यस कर दीजिए, और यहां से डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को भी यस कर दीजिए, दोनों को यस कर दीजिए, डबल क्लिक कर देंगे तो ये यस हो जाएगा। और यस करने के बाद यहां से आप कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, तो क्रोसिन एक आइटम मैंने ले लिया है, ठीक है, एक ही आइटम के बेस पे इसे समझा रहा हूं। यहां पर आ जाइए और यहां से बाउचर पे क्लिक कर दीजिए, जैसे बाउचर पे क्लिक करेंगे तो ये आ गए हम बाउचर में। अब यहां पर हम ये दे देंगे क्या नाम है सप्लायर का इनवॉइस नंबर और एंटर प्रेस करेंगे, और यहां पर डेट चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, लाइक यहां पर कर देता हूं 2/7/2020, एंटर प्रेस करते हैं तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 जुलाई हो चुका है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप मैनुअली हाथ से टाइप कर दीजिए 2/7/2020, तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, एंटर प्रेस कर दीजिए बस। और यहाँ पर इस बार मैं कैश कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करके और इसको यहां से रेगुलर कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। ये आपको याद होगा कि हमने बनाया था क्रोसिन, तो ये क्रोसिन यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको डालना है पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट डालते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दीजिए यहाँ पे, ये हमने डाल दिया 1/4/2020, एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी डाल दीजिए, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये डाल दिया 200 और यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है, ये 200 रेट यहाँ पे डाल दिया हमने, और एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, फिर एंटर, यहाँ पे एक्सपायरी डेट, तो ये एक्सपायरी यहाँ से आ जाएगी, एक्सपायरी तो पहले ही बता चुका हूँ, एक्सपायरी में कोई बहुत वो नहीं है, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट करिए, एंड ऑफ एंटर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का कॉलम अलग से आ रहा है, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे मैं दे नहीं रहा हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अब ऑल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ। पिछले वीडियो में क्या किया था, डिस्काउंट लिखिए, डिस्काउंट DISCOUNT। अब यहां पर आपको एट द रेट कुछ नहीं देना है, ठीक है, एट द रेट मत दीजिए, बस डिस्काउंट लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और इस बार मैं डाल देता हूं इसे इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में। देखिए दोनों में रखा जा सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, दोनों में, तो इस बार इनडायरेक्ट इनकम कर देते हैं, तो इनडायरेक्ट इनकम कर दीजिए यहां पे। इसके बाद यहां से एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस करके और फिर इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए डिस्काउंट यहां पर आ चुका है, ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि उस समय हम 5% दे रहे थे लेकिन 5% लगाया नहीं था मैंने, तो इस बार 5% दे देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लिखिए 5, तो 5% डिस्काउंट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 500 जुड़ के आ जाएगा, तो मैंने पिछले वीडियो में वो टेक्निक बताई थी आपको, यहाँ पे -5%, तो यहाँ पे देखिए 9500 आ चुका है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए कोई और भी प्रोडक्ट हो आपके पास, उसमें भी डिस्काउंट आप देना चाहते हो तो कैसे देंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, एक प्रोडक्ट मैं और बना लेता हूं, लाइक यहां पर लिख दीजिए फ्यूजियम, दवा का नाम लिख दीजिए फ्यूजियम, FUSIUM 5, आगे 5 लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर आइटम कर दीजिए या पीसेस कर सकते हैं, चलिए एंटर प्रेस करते हैं, वाई प्रेस कर दीजिए, बैचेस की डिटेल भी हमें चाहिए, एंटर प्रेस करते हैं, वाई प्रेस कर देते हैं,
वाई प्रेस कर देते हैं, तो यहां से एक्सपायरी और बैचेस की डिटेल आ जाएगी और एंटर प्रेस करके अभी से एक्सेप्ट करा लीजिए, एमआरपी वगैरह नहीं चाहिए हमें, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हो गया, आप यहां पे आकर यहां पर दे देंगे हम मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग डेट, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहां पर 200 क्वांटिटी है, ठीक है, और 70 रुपए का रेट है, डिस्काउंट वगैरह हमें देना नहीं है, एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां पर आ जाइए, नीचे आइए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर आइए। अब यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर देना एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट दे दीजिए आप, जो भी इसकी एक्सपायरी डेट है वो आप दे दीजिए यहां पे, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, बस हो गया। और अब यहां पे देख सकते हैं 5% का डिस्काउंट इन दोनों पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे दिक्कत यही है कि आप पूरे पे एक डिस्काउंट, जैसे मान लीजिए क्रोसिन है और फ्यूजियम 5 है, ये दोनों दवाएं हैं, तो इस पे 5% का डिस्काउंट लगाना है, तो 5% ही लगेगा, ऐसा नहीं कि एक पे 5 लग जाएगा एक पे 6 लग जाएगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। जैसे यहां पर अगर मैं कोशिश भी करता हूं, लाइक यहां पे आ गए हम, ठीक है, और यहां से इस फ्यूजियम 5 को एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूं, इस तरीके से ये एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, तो यहां पर डिस्काउंट आ जाएगा, तो ये डिस्काउंट का लेजर आ गया। अब यहां पे आएंगे, अब जैसे यहां पे आएंगे तो यहां पर अगर मैं फ्यूजियम टाइप करना चाहूंगा तो यहां पे फ्यूजियम 5 हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि अब वो स्टॉक आइटम खत्म हो चुका है, टैली को ऐसा पता चल रहा है कि अब यहां पे स्टॉक आइटम नहीं बनाना। आप यहां पे लेजर लगा सकते हैं कोई चाहे तो, लेकिन स्टॉक आइटम नहीं लगा सकते, तो यहां पर इसकी इसमें दिक्कत यही है कि एक साथ आपको कई सारे प्रोडक्ट्स पर सेम डिस्काउंट आप लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक पे अलग, दूसरे पे अलग, तीसरे पे अलग लगाएंगे, हां, लेकिन ये है कि आप डिस्काउंट चेंज कर सकते हैं यहां से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए और अब इसका प्रिंट देख लेते हैं एक बार कैसा प्रिंट आया हुआ। दो बार डी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां से कंट्रोल ऑल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए और फिर एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां से आई बटन प्रेस कीजिए। अब देखिए ये प्रिंट ऐसे आया हुआ है, तो यहां पे देख सकते हैं आप कि यहां पर डिस्काउंट वगैरह सब कुछ आ रहा है, बैच की डिटेल भी आ रही है, तो देखिए यहां पे बैच लिखा हुआ है और यहां पे ये देख सकते हैं ये इस तरीके से आया हुआ है, 2 जुलाई यहां पे मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट 2 मई लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।